हम जोड़ों कुत्तों के लड़ने साफ करते हैं। कितने दुख की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या हम बहुत बड़े डाकू हैं, हम बहुत बड़े चोर हैं? मैंने कभी से पूछा सारी एजेंसी हमारे सब कर्मचारी के ऊपर सौंप रखी तुमने, सारी एजेंसी हमारे जो चेकिंग करना रहा है सफाई कर्मचारी को करना रहा है, क्या आरडब्ल्यू का हो, क्या पदाधिकारी हो और डिपार्टमेंट उधर थर्ड डिपार्टमेंट है, उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती? हम कितने बार चोर हैं कि 11 बजे चेकिंग शुरू हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अरे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है तो उसे लंच के टाइम है? मैं एक आदमी हाथ को खड़ा करके बता दे कि आपको लंच के टाइम है? ये लोग सिर्फ हमें उतना देना चाहते हैं, हम जिंदे रहे और इनके लिए काम करते रहे, हमारे बच्चे ना पढ़े, ट्यूशन फीस 6 सालों की, जब ट्यूशन फीस दी जाएगी, जब ट्यूशन फीस नहीं होगी तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमारा परिवार आदर्श कैसे बनेगा? परिवार जब बनेगा आगे, जब आप आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इतनी ऑप्शन दी जाती है कि हम जिंदे रहे, बताओ एक आदमी को 9000 रुपए में मजदूर एकता। मैं बता दूं आप लोगों को, 8-9 हजार रुपए क्या एक परिवार चल सकता है? उससे ज्यादा पानी का बिजली का बिल आ जाता है, बच्चे स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं क्या? तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इनकी नीति है, इनकी नीति है सभी कास्टों को खत्म कर दो। धार्मिक कौन को जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इन्हें तो ये भी हजम नहीं होता हम गाड़ी से क्यों आते हैं। मैं आपको बता दूं क्या कुछ भी हो जाए, कितनी भी लोग आपके बीच में आए, कोई भी लालच दे, बहन जी आपको पक्का कर रहे हैं काम पाए, किसी की बात नहीं माननी है, मैंने किले कह दिया है। मेरे परिवार के लोग वो कहते हैं नो काम नो पैसे, जो काम नहीं करेगा उसकी एब्सेंट कर दो। मैंने उनसे कहा दिया अधिकारियों से, तू भैया अभी एक महीने की एडवांस में करते हमारे सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी मांग डिमांड के लिए अपसेंट कराने के बाद ही है नहीं है, बताइए आप लोग भाई 20 साल की बीमारी अगर एक महीने में खत्म होती हो तो ये ठीक है करते, बताइए आप लोग तो इस बीमारी को खत्म करके छोड़ेंगे? ये मेरा ऐलान है मंदिर से वाल्मीकि आश्रम से, मैं भगवान वाल्मीकि की कसम खा के कहता हूँ कि आश्रम मारा बोले बाबा की कसम खा के कहता हूँ, ये ऐलान है जब तक आपकी एक चीज मांग मंजूर नहीं आएगी जब तक आप लोग नहीं कहेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं नेता बिक जाते हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ, बड़ा से बड़ा लाल इसका कुछ भी जो जागवान चावल को खरीद ले, अगर जितनी जागवान चावल को खरीद लेगा मुझे मान जाएगा उतने मुझे खरीद लिया, कहते ना जा रहे हो नेता को खरीद लिया जाता है, कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता, और जो फैसला होगा क्या कुछ भी हो जाए कितने भी नेता भी विरोध करे कि भाई कर्मचारी के बीच में मतलब अपने परिवार के साथ में बीच में मत बुलाओ कभी, ये कुछ कर दे भाई तुम कुछ भी कर देना फैसला तुम्हारे बीच में होगा। जब तक तुम्हारे बीच में फैसला करने के लिए एग्री नहीं होंगे वो लोग, हम हमारे सिंह लग रहे हैं, हम मगरमच्छ है सकते जाएंगे उन्हें, हमारे से काम नहीं लेते लोग, जब भी आते हमारे पास अधिकारी तो इनके सामने मांग डिमांड पूरी करने में क्या दिक्कत है? मांग डिमांड तुम्हारे सामने पूरी करो, क्या दिक्कत है? सही काम सही बात बताने के लिए आते हैं आप लोगों को,
आते भी आते हैं, ये भी करते हैं, ये करते हैं, ये भी मिला, वो भी मिला। तो आप लोगों के सामने मांग डिमांड पूरी करने क्या दिक्कत है लोगों को? तो मैं आप लोगों को बता दूं, टीवी पे कुछ नहीं कहते कुछ लोग, कोई बीजेपी का, कोई पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम पार्टी का है। हम किसी पार्टी का नहीं है, हम पॉलिटिक्स समाज पार्टी का आदमी है, हम मजदूरों की पार्टी का आदमी है। फुलपाल जी जो एमसीडी में टैक्स कर्मचारी है, शिक्षा कर्मचारी है, हम उस पार्टी का आदमी, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं है। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें बस चाहिए, ना हमें कार चाहिए, ना हमें हवाई जहाज का टिकट चाहिए, ना हमें थ्री वे का टिकट चाहिए। हमें टिकट चाहिए तो बाल्मीकि समाज क्या हम आपके नीचे काम करें बस। और मैं यहाँ डायलॉग मार करने जा रहा हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का आदमी हूँ। मेरा आपका साफ रोटी बेटी का रिश्ता है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मैं आपको धोखा दे देते जा सकता नहीं हूँ। जो भी मुझे जिंदगी में आप लाभ रहना है मैं करूँगा, मैं करूँगा, तो आपको कमीना कर जाऊँगा, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? आपकी जितना यकीन मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने भी उतना यकीन आप पर रखा हुआ है, आप भी मेरे साथ छोड़ कर नहीं जाएंगे।